इसके अंदर मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है, सजी है, ये कबाब भी है, चटखारा कबाब है, बहुत मजेदार। तैयार हो गया बटर नान के साथ। ये बटर नान के साथ तंदूरी चस्का चिकन। ये भी प्याज डाल रहे हैं। क्या तैयार करने जा रहे हैं? ये काबुली पुलाव भी इसमें तैयार कर रहे हैं। पहले प्याज डाल दिया, ये दाल डाल रहे हैं। कितने केजी बनाना है? ये 8 केजी का है। ये 8 केजी तैयार करना है आपने काबुली पुलाव। दो से 3 घंटे हो गए चावल भी धोए हुए। जी ये चीनी है? चीनी। ये चीनी क्यों डालते हो? अच्छा मुझे तो नहीं पता था इसके अंदर चीनी भी डलती है। अच्छा अब ये क्या है? ये नमक है। ये जी तैयार होने जा रहा है काबली पुलाव। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये यखनी डाल रहे हैं। वो जा रहे हैं जहाँ चलाया थे। ये क्या? जीरा, जीरा। ये जीरा है? ये अब 10 मिनट के लिए ढक दिया, खुश्क हो जाएगा पानी खुश्क करने के लिए। अच्छा अब बारी चावलों की है। चावल ये कौन से चावल डलते हैं इसमें काबली पुलाव में? कौन सा? स्टीक राइस। स्टीक राइस जी। कितना टाइम लगता है इसको पकने में, तैयार होने में? 15 से 20 लेंगे, फिर दम दे देंगे इनको 20 मिनट के लिए। अच्छा बस ये तैयार हो जाएंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो बस इसको दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए। बहुत सिंपल सा ये प्रोसीजर है काबुली पुलाव का। तो ये काबुल से अफगानिस्तान की ये रेसिपी है। काबली पुलाव तो उनका ही है ना, अफगानिस्तान का। पानी खुश्क हो गया बस अभी इसको दम लगा देंगे कि काबली पुलाव राइस तैयार है। ये पानी खुश्क हो गया इसका? ये अभी पानी खुश्क हो गया, अभी आज से 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये दम लगा रहे हो इस तरह? दम लगाया 20 मिनट के बाद ये खोलेंगे इसको फिर तैयार हो गया। अब ये जी दम इसका खोल रहे हैं। माशाल्लाह 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 ये जी काबली पुलाव तैयार हो चुका है। इसमें चिकन वगैरह नहीं डलता? नहीं चिकन वगैरह नहीं होता, ये यखनी में तैयार होता है। ये यखनी इसके अंदर डालते हैं? ये यखनी में तैयार होता है, ये रंगत इसकी चेंज हुई है, ये ब्राउन हो गई है यखनी से। ये देख
अब इसका ये प्रोसीजर खत्म हो चुका है, बन चुका है ये। नहीं अभी इसके अंदर कोई और चीज तो नहीं डालनी, गार्निश। ये गाजर की तैयार की हुई थी, गाजर की है। अच्छा गाजर होता है इसमें, मेवा होता है काबली। कौन से मेवे डालते हैं इसके अंदर? काबली मेवा होता है इसमें। काबली मेवा एकदम फ्रेश फ्रेश लगाते रहेंगे, जैसे जैसे खत्म होती रहेगी वैसे वैसे लगते रहेंगे। अच्छा लगा दिए इसमें। इसका प्रोसीजर एंड है, एंड है प्रोसीजर। ये अब बन चुके हैं काबली पुलाव। काबली पुलाव तैयार हो चुका है। अब क्या तैयार करना है आपने? ये अरेबियन राइस की तैयारी कर रहे हैं। अरेबियन राइस की इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, ओनली सफेद मिर्च और शिमला मिर्च इस्तेमाल करते हैं। ये शिमला मिर्च जी, शिमला मिर्च। ये इस तरह इसको भी काटते हो या बस ये इस तरह? इसको भी बारीक बारीक काटते हैं। ये हरी मिर्च और शिमला मिर्च ये काट गए। अब कौन से तैयार करने? अरेबियन, अरेबियन राइस। अब भैया इसके अंदर आई डाल रहे हैं, ये पहले शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो इन्होंने काटी थी वो डाली इन्होंने। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये लौंग है। ये लौंग है। क्या जी? अच्छी तरह मिक्स करेंगे इनको, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इनको। ये चीनी डाल रहे हैं आप? नमक। ये मिसाला है? ये कौन सा मिसाला है? ये इसके मसाले स्पेशल मिलता है। डब्बे ही डालना है सारा? इसके भी गिलार के मुताबिक डालते हैं। अच्छा अगर मिक्स करके इसको ढक लेंगे पानी बोलने तक। हां पानी अच्छा लगा दो भैया, 15 मिनट के लिए पानी बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। ये अरेबियन अरेबियन आई राइस बन रहे हैं, अरेबियन राइस तैयार हो रहे हैं। इनका कलर सेम ही होता है, एक जैसे ही डिफरेंट होता कलर। ये भी ब्राउन ही बनेंगे? नहीं नहीं ब्राउन नहीं, व्हाइट और ब्लू बनेंगे। ये इसको भी मिक्स कर रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, ढक्कन ढक देंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए इसका। ये फुल तैयार हो चुके हैं? हाँ बस दम लगाना, पानी खुश्क हो गया इसका। ये अब कलर चेंज हो गया चावलों का? नहीं नहीं वैसे ही कलर। नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है चेंज हो चुके हैं, वैसे वैसे कलर लगाएंगे फूड कलर। फूड कलर
ये बंद हो चुका है 20 मिनट के लिए, अब इसको बंद कर दिया जाएगा। लो जी, माशाल्लाह, ये जी अब अरेबिक राइस तैयार हो चुके हैं। अब इसको मिक्स करना है आपने। कीजिए, ये मिक्स कर रहे हैं भाई इनको, अरेबिक पुलाव को, अरेबिक राइस व्हाइट एंड येलो। ये चिकन डाल रहे हैं। अंकल जी क्या तैयार कर रहे हैं आप? जी सर, तंदूरी चिकन तैयार कर रहे हैं। तंदूरी चिकन, ठीक हो गया। ये इन्होंने पहले चिकन डाल दिया है। ये मलेशिया की डिश है। ये क्या है? मलेशिया की रेसिपी है। उस्ताद मोंट ने बता के दी। उस्ताद मोंट ने, मोंट ने ये उसकी रेसिपी है जी। ये आप बनाते हो या बनी बनाई लाते हैं आप? वो मेरे साथ वो बनाते हैं। आप उस आपके साथ बनाते हैं? तो वो मलेशिया से आए थे, उनको पता है। अच्छा, वो वहाँ से सीख के आए थे। ये चिकन के अंदर रेसिपी को मिक्स कर रहे हैं। को ये रेसिपी लगा दी और कुछ नहीं। ये है जी तंदूरी चिकन। ये ग्रिल के अंदर लगाते हैं आप? ये टोटली भरते हो ग्रिल को? इसमें 5 तंदूरी चिकन लगे जाए। क्या जी? 5 5 तंदूरी चिकन लगती है। इसके बाद क्या करना है इसको? बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया अब।
ये जी आग चला दी इन्होंने तंदूर के अंदर, ये है तंदूरी और ये ग्रिल के साथ इन्होंने चिकन, ये ग्रिल के अंदर चिकन डाला हुआ है और ये तंदूरी के अंदर चला गया है। ये लो इस तरह तैयार होता है तंदूरी चस्का। और ये ऊपर से ढक्कन कर दिया इन्होंने बंद। ये कितना टाइम लगता है इसको तैयार होने में? ये तैयार हो चुकी है? नहीं अभी नहीं, अभी इसको इसकी साइड चेंज करनी है। इसमें ना मसाला सही घुस जाता है। ये है जी तंदूरी चस्का जो कि आजकल लोगों को लगा हुआ है चस्का, खाने का चस्का ही होता है भाई। दूसरी साइड से भी इसी तरह। ये जी दोबारा तंदूरी के अंदर जा रहा है चिकन। बंद हो गया तय खाने के अंदर। ये है जी तंदूरी चस्का, ये अब तैयार हो चुका है फुल। ये जी तंदूरी चस्का, ये अब फुल रेडी हो चुका है, ये तैयार हो चुकी है। जी ऑयल डाल रहे हैं नहीं। ये रेसिपी दोबारा फिर डालेंगे? मलेशियन है ये, मलेशियन तंदूरी चस्का। उस्ताद उस्ताद मून साहब, ये आपने उनसे सीखी थी? वो सीखे आए थे ना, मैंने काम किया वाटर डॉन। अच्छा, बक्कर मार्ट में जो काम किया। ये इसका दम उतारा है इन्होंने, ढक्कन उतार के तंदूरी चिकन। ये गार्लिक नान है सर। गार्लिक नान? जी सर गार्लिक नान, खाली गार्लिक चीज नहीं, गार्लिक रीस का है। ये अभी गार्लिक नान तैयार कर रहे हैं अंकल जी। ये क्या है वो जो आप इसके अंदर इसको लगा रहे हो, डबो रहे हो? आटा। आटा ये आप कौन सा नान लगा रहे हो? ये भी गार्लिक है? ये सर बटर है। बटर? आटा यही होता है, बाकी चीजें जो बटर। अच्छा रेसिपी अलग होती है। इसके अंदर आप बटर डालेंगे अभी? बटर से सारा कुछ डला होता है। अच्छा आटा दो दही चीनी डालेंगे। अच्छा ये है सर गार्लिक नान। गार्लिक नान? हाँ जी।
क्या जी? गार्लिक। ये अंकल अभी गार्लिक लगा रहे हैं इसके ऊपर नान के। बटर नान के ऊपर भी गार्लिक लगती है? नहीं सर, और सिर्फ तेल लगते हैं बटर। ये तिल लगा रहे हैं गार्लिक नान पे। अब इसको बंद कर दिया उन्होंने। ये हमारी फुल सजी है। ये फुल सजी है। ये बटर नान के साथ तंदूरी चस्का चिकन। ये आप क्या लगाने वाले? आप ये प्लेटर लगे हुए हैं, डील वगैरह की प्लेटर लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप? इसके अंदर बारबेक्यू भी है। बारबेक्यू भी है, सजी भी है, कबाब भी है, दो किस्म के राइस हैं, एक काबली है और दूसरे अरेबिक। आप तो बहुत काफी कुछ डाल रहे हो यार इसके ऊपर बॉस। इसके अंदर मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है, सजी है, ये
कबाब भी है, चटखाड़ा कबाब है, बहुत मजेदार है। ये बड़ा प्लेटर है आपका? बड़ा प्लेटर है। वो 3% सर्विंग है, ये 4% सर्विंग है। ये आपकी डील कौन कौन सी चल रही है? ये 1000 रुपए की डील है हमारी। क्या हाल है? और बारबेक्यू प्लेटर है। कितने की डील चल रही है ये आपकी? ये वाली 1600 रुपए की चल रही है डिस्काउंट के साथ। 1600 रुपए क्या क्या मुझे समझ नहीं आपकी आवाज़। ये 1000 रुपए डिस्काउंट है, 1000 रुपए यस। और वैसे एक्चुअल प्राइस जो है इसकी 2300-2400 रुपए है। अच्छा ठीक है, लेकिन 1000 रुपए जो है वो 1600 रुपए की है। अच्छा, इसके साथ दो किस्म के राइस है और 2 क्वार्टर सजी है और 4 अफगानी बोटी है। 4 अचारी बोटी है जी, 4 अफगानी बोटी है। अच्छा, 4 अचारी बोटी है, 4 मलाई बोटी है। अच्छा, और 4 पीस कबाब के। क्या कहने, कमाल। साथ जो है 4 लेमन सोडे। लेमन सोडे जी। ये सर गार्लिक नान है सर, ये तंदूरी चिकन को रेडी हो गया। तंदूरी चिकन, तंदूर चिकन, तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी जान, आपका मेज़बान, आपका मेहमान। तो आज मैं आया हूँ ग्रीन ब्लॉक मार्केट, यहाँ पे नमकीन मंडी, ये एक शॉप का नाम है। यहाँ पे यहाँ का खाना बहुत ही फेमस ही है। और ये देखिए, ये क्वार्टर लगवाया है और ये इनका जो है तंदूरी चस्का। और ये मैं अभी आपको बोटियाँ बता देता हूँ। ये है चटखारा कबाब, ये रेड बोटी, ये अफगानी बोटी, ये मलाई बोटी और ये इनकी है तंदूरी बोटी। नहीं नहीं, ये है इनकी पास लेके। ये है तंदूरी चस्का, ये रेड बोटी, ये मलेशियन रेसिपी के साथ ये तैयार करते हैं। और ये नान है, नान कितना सॉफ्ट और नरम है। इसके ऊपर तिल लगाए हुए हैं, ये बटर नान है। इसके साथ में ये मलेशियन तंदूरी चस्का टेस्ट करने वाला हूँ। स्वादिष्ट, बहुत ही मजे का जवाब है, कमाल का। हाय हाय हाय, टेस्ट आ गया खाने का। खाना बारी है इसकी, इसके अंदर ये अरेबिक राइस है और ये अफगानी पुलाव है मिक्स मिक्स। इनके ये डील है, इनकी चल रही है। अभी इनका टेस्ट भी करते, पहले तो मैं ये चटकारा कबाब टेस्ट करता हूँ। हाय हाय हाय, इसको जब मैं रहते के अंदर गोता दिलाऊंगा तो इसका टेस्ट पता नहीं किस तरह होगा। ये मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ इस तरह का खाना, बहुत ही मजे का, ये कमाल है लेवल का। ये देख, ये चीज़ तो होती है खाने वाली, किस तरह भी ये सॉफ्ट और नरम। और ये इनकी है मलाई बोटी। अब मैं मलाई बोटी और कबाब को मिक्स करके खाने वाला हूँ। ये देख, गर्मा गर्म है।
अब इसको चावलों के अंदर खाएं। इधर से थोड़े से अफगानी चावल राइस और साथ ही ये इस तरह मिक्स अप। ये मेरी बाइट है। मैं कहता हूँ मैं आप मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, इतना लेवल का खाना ये मजा आ गया खाने का। और ये रेड बूटी बहुत ही मजे के और लाजवाब है, यकीन माने मजा आ गया खाने का। बहुत ही स्वादिष्ट खुशकाटर टेस्ट है इनका। अब मैं बारी बारी सारी बोटियाँ ट्राई कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये ग्रीन ब्लॉक मार्केट अपोजिट साइड पे बाटा है, और ये साथ ही नमक मंडी शॉप का नेम है। और इधर आपकी जान है उमर यासिर। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अभी मैं लास्ट बाइट आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये चस्का पॉइंट है, चस्का इसको खानों की लत पड़ जाती है, इसको चस्का बोलते हैं। ये चमची छोटी है, वरना मैंने बाइट ही बहुत बड़ी बनानी थी। पैसे पूरे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।